बढ़ती संख्या को लेकर कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहर कांग्रेस अध्यक्ष गिरीश दुबे, पूर्व मेयर प्रमोद दुबे और किसान कांग्रेस के अध्यक्ष चंद्रशेखर शुक्ला मौजूद रहे। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने बिना किसी कार्य योजना और प्लान के लॉकडाउन किया। कांग्रेस नेताओं ने आगे कहा कि मोदी सरकार के कुप्रबंधन और गलत फैसलों और अदूरदर्शिता के कारण छत्तीसगढ़ के साथ देश के मजदूर कोरोना वायरस से संक्रमित हुए। पिछले एक डेढ़ महीने से लोग रुके हुए थे, उनको आज वो व्यवस्था कर रहे हैं दूसरी रोग जाने के लिए। तो जिस प्रदेश में वहां पर कोरोना नहीं था, वो दूसरे प्रदेश से वहां कोरोना पहुंच जा रहा है। तो कार्य योजना की कमी, आपके काम करने की मानसिकता की कमी, दूसरा आप लोगों को इस कोरोना संक्रमण में राजनीति करना, सरकारों को मदद नहीं करना, केवल टीवी में आकर दिया जला दो, घंटी बजा दो, ये इससे देश नहीं चलता।